तब एक नंबर के साथ कोई रीडिंग नहीं आएगी, लेकिन दो नंबर के और तीन नंबर के बीच में रीडिंग आएगी 500 के समथिंग। ये देखिए 510 आ रही है, ठीक है 500 के आसपास रीडिंग आनी चाहिए तो सही होता है। प्लस वाली पॉइंट को उठा के गेट पिन पे शॉर्ट कर देंगे एक बार, तो इसका रेजिस्टेंस डाउन हो जाएगा। ये देखो इस पर शॉर्ट किया और ये रेजिस्टेंस डाउन हो गया, ठीक है। ये सप्लाई 3 एम्पियर की है, 3 एम्पियर 12 वोल्ट की। तो इस सप्लाई में तीन चीज़ें ही ख़राब होती हैं, या तो ये जो हमारा रेक्टिफायर है डबल डायोड, या तो ये डबल डायोड ख़राब हो जाएगा, या फिर ये हमारा ये मेन डायोड ख़राब हो जाएगा, या फिर ये जो मॉस्फेट होता है ये मॉस्फेट ख़राब होता है। तो आज इसी मॉस्फेट को चेक करने वाले हैं इस वीडियो में, किस तरह से इसको चेक करना है कि ये सही है कि ख़राब है। ये 600 650 वोल्ट के आसपास के इसमें यूज किए जाते हैं। ये 10 एम्पियर का है, 650 वोल्ट 10 एम्पियर का ये मॉस्फेट है, इसको चेक करेंगे। एन चैनल मॉस्फेट है ये। तो इसका नंबर है K3115 और इसका वोल्टेज 650 है, और जो गेट वोल्टेज है वो 30 वोल्ट है। 10 एम्पियर से 8 एम्पियर तक है इसका कैपेसिटी, और जो पावर डेसिवेशन है वो 100 वाट का पावर डेसिवेशन है। और किस तरह से चेक करना है, पिन नंबर 1 और 2 में कोई रीडिंग नहीं, 2 और 3 में कोई रीडिंग नहीं, 2 और 1 में कोई रीडिंग नहीं, 2 और 3 में कोई रीडिंग नहीं, 3 और 1 में कोई रीडिंग नहीं, 3 और 2 में रीडिंग आएगी 500 के समथिंग। और जब इसका गेट पे पॉजिटिव टर्मिनल ब्लॉक करेंगे उसके बाद जब चेक करेंगे तो 3200 के आसपास इसकी रेजिस्टेंस आएगी जो इन टर्मिनल पे होने वाली है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। मल्टीमीटर को सेट करेंगे कंटिन्यूटी रेंज पे, तो पहले क्या करेंगे, एक नंबर पिन को मानेंगे प्लस, 2 3 के बीच में कोई रीडिंग नहीं, 1 2 2 3 कोई रीडिंग नहीं, 2 नंबर को प्लस प्लस रखेंगे कोई रीडिंग नहीं, जब 3 नंबर को प्लस रखेंगे तब 1 नंबर के साथ कोई रीडिंग नहीं आएगी, लेकिन 2 नंबर के और 3 नंबर के बीच में रीडिंग आएगी 500 के समथिंग। ये देखिए 510 आ रही है, ठीक है 500 के आसपास रीडिंग आनी चाहिए तो सही होता है। अब क्या करेंगे, अब जब हम क्या करेंगे, ये प्लस वाली पॉइंट को उठा के गेट पिन पे शॉर्ट कर देंगे एक बार, तो इसका रेजिस्टेंस डाउन हो जाएगा। ये देखो इस पर शॉर्ट किया और ये रेजिस्टेंस डाउन हो गया, ठीक है। इस तरह से इसका रेजिस्टेंस घट के 32 ओम के आसपास रह जाएगा जब, तो ये हमारा देखो 38 ओम हमारा ये सही होता है। और जब अगली बार ये जब माइनस वाई टर्मिनल को इस पे ब्लॉक करेंगे उसके बाद चेक करेंगे तो ये देखो वापस 500 के आसपास आ गई है। तो ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है KE, इस तरह से ये मॉस्फेट को चेक करते हैं। अगर आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या आप अपने डिवाइस को किसी रिपेयर करते हैं तो आपको इस तरह की वीडियो की ज़रूरत रहती है, तो हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो बनाते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं या आपको इनकी ज़रूरत है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।